हेलो बनारस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं BHU घूमने, तो आज के वीडियो कुछ खास रहेगा, तो बने रहिए वीडियो में। और आज हम रास्ते का भी पूरा टूर अप कराएंगे कि अगर आपको BHU जाना है तो कैसे कैसे जा सकते हैं और भीड़ से बचते हुए कैसे जा सकते हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि अभी हम लोग भेलूपुरा चौराहे पे हैं और अभी हम लोग आए हैं इधर रेवड़ी तालाब से। अभी हम हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो सामने रास्ता आ रहा है, हम लोग यहीं से आए हैं रेवड़ी तालाब से और हम लोग को जाना है ये दुर्गा कुंड वाले रास्ते पे। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये चला जाएगा कमच्छा की तरफ और ये रास्ता चला जाएगा सोनारपुरा की तरफ। हम लोग को जाना है इस तरफ, तो हम लोग आए हैं यहाँ से ऐसे रेवड़ी से निकल कर और यहीं पे आप देख सकते हैं यहीं पे भेलूपुरा थाना है और हम लोग जाएंगे इधर। जैसा देख सकते हैं ये पंचवटी कंपनी है जो कि भेलूपुरा चौराहे पर ही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे गैजेट्स मिलते हैं, फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह वगैरह। तो बस यहीं से हम लोग को सीधे जाना है। और जैसा अभी हम लोग हैं विजया चौराहे पर, ये रास्ता सीधे भेलूपुरा से आया है और ये सीधा चला जाएगा दुर्गा कुंड की तरफ और यहाँ से अगर हम लोग टर्न लेते हैं तो हम लोग सीधे रविंद्रपुरी की तरफ निकल जाएंगे। और ये है IP विजया जो कि आपका विजया चौराहे पर ही है भेलूपुरा रोड पर। तो हम लोग को बस यहाँ से जाना है और यहाँ से टर्न ले करके रविंद्रपुरी से जाएंगे। हम लोग दुर्गा कुंड से भी जा सकते हैं बट ये रास्ता पकड़ने पर हम लोग को ट्रैफिक ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि सावन का दिन है, तो हम लोग इधर से ना जा करके हम लोग इधर से टर्न लेकर के रविंद्रपुरी से ही जाएंगे। आ चुके हैं BHU और पीछे हैं हमारे विश्वनाथ टेम्पल और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पीने, हम और रौनक। तो हम लोग अभी कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे, अंदर भी घूमेंगे, अंदर का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में बने रहें। तो ये है हम लोग का कोल्ड कॉफ़ी, थोड़ा सा मैंने पी लिया इसमें से, तो काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और ये है सामने विश्वनाथ टेम्पल VT और ये है कोल्ड कॉफ़ी। तो इसको ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं अंदर। तो जैसा कि अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर और इस टाइम हो रहा है 6:30 और देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी हैं, भीड़ लगा हुआ है और इधर पूरा आपको खाने पीने का व्यवस्था है। तो इधर आप नाश्ता कर सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी जैसे हमने पिया वैसे कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं। और ये सामने है बाबा का मंदिर, यहाँ आने के बाद आपका सारा टेंशन वैसे ही दूर हो जाएगा, यहाँ की रौनक देख करके, खूबसूरती देख करके। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हर तरफ है। और ये है मदन मोहन मालवीय का स्टैचू, पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही यहाँ का नींव रखा था BHU का, यहाँ के संस्थापक भी यही थे। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अपने शूज़,
स्लीपर्स यहाँ पे आप रख सकते हैं, और क्योंकि अंदर मंदिर है तो आपको जूता चप्पल बाहर ही उतार के जाना होगा, तो यहाँ पर आप अपने शूज़ और स्लीपर को जमा कर सकते हैं। तो हम लोग ने जूता चप्पल अपना जो भी था वो जमा कर दिया और चल रहे हैं मंदिर के अंदर। सावन होने की वजह से पूरा हर तरफ बांस बली लगा हुआ है, जिससे दर्शनार्थियों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी शांति है, काफ़ी सुकून भी है। अभी सारी लाइटें जली नहीं है, जैसे जैसे रात होगा तो लाइट सारी जल जाएगी, तो बाबा का ये प्रांगण और खूबसूरत दिखने लगेगा। तो ये हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं हर तरफ ज़मीन पे, दीवार पे, हर जगह मार्बल्स लगे हुए हैं। फ्लोर का पूरा ये मंदिर है, ये ऊपर जाने का भी है, आप ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी है। ये सामने बाबा का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ का, आइए उनका भी दर्शन आपको लोग को कराते हैं। ज़्यादा बड़ा मंदिर है, और आइए अब दिखाते हैं आपको, नंदी महाराज के दर्शन कराते हैं। तो जैसा देख सकते हैं सामने बाबा हैं और उनके ठीक सामने नंदी महाराज। यहाँ के नंदी महाराज और बाबा की तरफ मुंह करके ये बैठे हुए हैं। तो दर्शन कर लिए हम लोग ने और बाहर आ गए हैं, और यहीं से अभी हम लोग का एंट्री हुआ था, जो कि हम लोग यहाँ से आ करके और फिर इधर दर्शन करने गए थे। अब हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर का रास्ता दो तरफ से सीढ़ी है, आप किधर से भी जा सकते हैं। एक सीढ़ी देखिए इधर से, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और एक सीढ़ी इधर से भी है, यहाँ से भी जा सकते हैं। हम लोग चलेंगे इधर से, क्योंकि इधर से कोई नहीं जा रहा है और इधर से कई लोग जा रहे हैं, तो हम लोग चलेंगे इधर से। लग रहा है इधर पेंट वेंट का काम चल रहा है, थोड़ा सफाई फाई हो रहा है, इसलिए बांस बल्ली हर जगह लगा हुआ है। और हो सकता है ये रास्ता ब्लॉक करने के लिए भी लगा हो, कि सावन में जो श्रद्धालु आते हैं तो भीड़ लग जाता है, तो इस वजह से फर्स्ट फ्लोर पर न जाने के लिए वहाँ पे बांस लगा हो, कुछ कोई भी रीज़न हो सकता है। ऊपर भी देखेंगे, ऊपर भी बहुत सारे लोग दिख जाएंगे आपको, फोटोग्राफी करते हुए, अपना फ़ोटो लेते हुए, खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिख जाएंगे। You've been chosen to everybody.
और जैसा कि आप लोग देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ से अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, और सामने बाबा का मंदिर है उसमें महादेव। हम लोग उधर सामने से अपने स्लीपर को उतार करके ये रास्ता ऐसा पकड़ करके अंदर आए हुए थे। और आइए आपको ऊपर भी बाबा के प्रतिमा है उसका भी दर्शन आप लोगों को करा दें। दीवार पे ऐसे सारे चित्र बने हुए हैं, चौपाई दोहे सब लिखे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। और बहुत फेमस मंदिर है ये काशी विश्वनाथ बिच्छू मंदिर, तो अगर आप बनारस आते हैं घूमने तो इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करें। सामने बाबा शिव जी जो कि योग मुद्रा में है, ये विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी। घूमने तो तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए कि आप अच्छे से यहाँ पे हर जगह घूमिए और दर्शन करिए। 2 से 3 घंटे आपको इस मंदिर के लिए चाहिए। और जैसे ये देख रहे हैं आप, ये दुर्गा जी का मंदिर है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो कि पेरेंट्स के साथ आए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। और इस समय हम लोग चल रहे हैं बालकनी में। लाइट लगा है, काफ़ी सुंदर लगता है मंदिर, और काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी ऊंचा है और बहुत बड़ा मंदिर है। इस पूरे मंदिर को अच्छे से विज़िट करके अगर आपको प्रॉपर घूमना है यहाँ पर तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ आने के बाद सुकून बहुत ज़्यादा होता है, शांति सुकून, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक भैया हैं जो कि योग मुद्रा में हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। यहाँ पे लोग हैं और यहाँ मैक्सिमम आपको स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेंगे और टूरिस्ट हैं। ये है मेरा फेवरेट स्पॉट, यहाँ से मंदिर का जो शिखर है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए, यदि आप भी इस मंदिर में आते हैं तो आप इस स्पॉट पे ज़रूर आएँ। देखिए हम आपको स्पॉट का रास्ता आपको बता देते हैं। जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ के आएंगे वहाँ सामने से, या तो वहाँ से आप एंटर होंगे यहाँ से, या तो आप यहाँ से एंटर होंगे, सीढ़ी चढ़ने के बाद जस्ट आपको बस यहाँ से ऐसे मुड़ जाना है, और मुड़ने के बाद बस आपको इस कॉर्नर पर आना है।
इस कॉर्नर पे आकर जब आप मंदिर के शिखर की तरफ देखेंगे, गुंबद की तरफ, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको यहाँ से व्यू मिलेगा, ये देख सकते हैं। और आज लाइट्स उतनी जल नहीं रही हैं, तो अगर लाइट जलती रहती तो ये और भी खूबसूरत दिखता। देख सकते हैं यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है, और आई एम श्योर अगर आप यहाँ से आकर के यहाँ से अगर आप मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ से घूमते हैं, यहाँ से व्यू लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसा कि देखिए यहाँ के त्रिशूल में लाइट भी जल रहा है मंदिर के ऊपर।